सो बेटा साला नेक्स्ट लेक्चर है जरा हैगा वो हैगा सिंपल मशीन के उत्ते। ठीक है साला आखिरी चैप्टर आ लास्ट वाला चैप्टर आ इस दे विच आपां की पढ़ना मशीन दे अबाउट पढ़ना है। ठीक है मशीन का परपज की हैगा या मशीन आपां केड़ी केड़ी टाइप्स दी मशीन आपां इस्तेमाल करते पे हैं। ठीक है सो इस बारे थोड़ा बहुत आप पढ़ांगे। ठीक है वो विच कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जी बेसिक डेफिनेशन है एफर्ट हो गई जिस तरह और रेजिस्टिंग फोर्स हो गई। ठीक है और भी बड़िया जो आप डेफिनेशन है अबाउट वो आप अज देखा। ठीक है जिदा इनपुट वैल्यू इनपुट की आ मशीन की आउटपुट की निकलती है। ठीक है एफिशिएंसी किस तरह काउंट करते हैं मकैनिकल एडवांटेज की आ वेलोसिटी रेशियो की हैगी है। ठीक है इस तरह की कुछ जड़ियाँ साढ़े को साढ़े इस तरह की कुछ जो डेफिनेशन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है वो आप देखा। सो फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं मशीन मशीन की आ। ठीक है मशीन मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच रिसीव्स एनर्जी। ठीक है जी विच रिसीव्स एनर्जी इनपुट। ठीक है जी अवेलेबल फॉर्म इन इन अवेलेबल फॉर्म एंड देन बाय यूजिंग दैट एनर्जी इट डिलीवर्स यूजफुल वर्क। ठीक है जी कोई भी डिवाइस आ कोई भी मशीन आ वो किस तरह वर्क कर दिया उसनों कुछ ना कुछ सानू इनपुट एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि सानू आउटपुट एनर्जी मिले। ठीक है जी सो मशीन की है कि एक डिवाइस आ जिन्हों आप कोई भी अपना इनपुट एनर्जी या इनपुट फोर्स कुछ भी आप जो उसनों प्रोवाइड कराने हैं दैन सानू आउटपुट सानू उस तो मिलती है। ठीक है जी सो बढ़िया एग्जाम्पल्स है मशीन दिया। ठीक है सो इनपुट देवे मशीन में ता ही सानू उतों आउटपुट मिलेगी। ठीक है मशीन के उपर कुछ एफर्ट करने पोगे एफर्ट एफर्ट का मतलब की होंगे आ जी आप फोर्स अप्लाई की आ किसी मशीन चलाने के लिए। ठीक है वो की है सारे एफर्ट आ। ठीक है सो अपलाइड फोर्स इज नोन एज एफर्ट। ठीक है जो आप इनपुट दे रहे हैं इनपुट की आ कुछ ना कुछ एफर्ट करने पोगे ह्यूमन्स नू मशीन चलाने लिए। ठीक है वो इनपुट आ। ठीक है जी उतों फिर मशीन का जो परपज आ उतों सानू की मिलेगी मिलती है आउटपुट मिलती है। ठीक है जी सो हुण जिहड़ी मशीन्स आ मशीन से ज़्यादातर की कवर कर दिया है और लोड नू कैरी कर दिया है जिहड़ी आपां मशीन्स आपां देखते हाँ वो की वह वर्क की आ। ठीक है पहला आपां इनपुट की लगाई है इनपुट की है सारी एफर्ट आ आउटपुट की है कि लोड नू की कर दिया है। ठीक है जी कैरी कर दिया है जिदा आपां वाशिंग मशीन की गल करते हैं इनपुट की उत्थे विच आपां की लगाते पे इनपुट। ठीक है जी इनपुट साड़ी की एफर्ट की है उहदे विच इनपुट दे विच। ठीक है सिंपल आपां उहदे विच वो इलैक्ट्रिसिटी ने चल रही है। ठीक है जी वो की है इलैक्ट्रिक एनर्जी ने चल रही है वो सारी इनपुट आ आउटपुट की हैगी है आउटपुट की आ उस की है जो ड्रम हैगा आ। ठीक है ड्रम के जिन्ना आप कोई भी वो मतलब क्लोज वगैरह ऐड करते पे वो की वो पर लोड आ। ठीक है जी वो सानू की दे रही है वो आउटपुट दे रही है। ठीक है जी रोटेटिंग डिवाइस हैगा वो मशीन हैगी आ मोटर हैगी आ। ठीक है उसनों रोटेट करती पी पंप लगा हुआ। सो एक एक सिंपल मशीन की गल करते पे हैं कि आप किसी वो उपर इनपुट लगाते हैं कोई भी चीज़ उपर। ठीक है वो सानू आउटपुट मिलती है। ठीक है सो जी आउटपुट आ ठीक है वनू आप किस तरह डिफाइन करते हैं द रेजिस्टेंस विच इज़ टू बी ओवरकम विच इज़ टू बी ओवरकम बाय द मशीन इज नोन एज रेजिस्टिंग फोर्स और वेट। ठीक है हम जिदा हम आप लैब के देखिए लैब के कुछ मैं तुम्हें मशीन दिखाई से जिदा स्क्रू जैक हो गया। ठीक है वॉम एंड वॉम व्हील हो गया। ठीक है इस तरह जी मशीन आ इन्होंने की आप किया आप इनपुट अप्लाई करते मैं तुम्हें दसिया कि इस इनपुट अप्लाई करा हम गेयरस 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 के होंगे आ गेयरस के आ कि आप इनपुट दी कोई। ठीक है जी हम वो जो स्क्रू चैक की गल करता हूँ स्क्रू चैक के आप इनपुट दी है। ठीक है जी इनपुट आपू की है वो फोर्स लगाते पे हैं। ठीक है स्क्रू चैक ने की करना है स्क्रू चैक ने तो हम जो लिफ्ट करनी है तारी कार लिफ्ट करना है वो की हूँ करता पाया वो सिंपली लिफ्ट कर रहा है कार नू। ठीक है जी वो की वो ता लोड आ वो आउटपुट सानू मिलती पी आ। ठीक है वो जो लिफ्ट कर रहा है कार नू। ठीक है जी सो उस सिंपल मशीन के आप हम रेजिस्टिंग फोर्स किनू कहते पे हाँ वो वाली फोर्स वो वाला लोड जिनू आप कैरी करना है। ठीक है तो वो की है रेजिस्टेंस एक तरह की। ठीक है जी कि ऑफर कर रही है सारे एफर्ट नू ऑफर कर रही है रेजिस्टेंस। ठीक है सो इस करके इन्होंने डिफाइन किया गया द रेजिस्टेंस विच इज टू बी ओवरकम बाय द मशीन इज नोन एज रेजिस्टिंग फोर्स और वेट। ठीक है सो एफर्ट की है साड़ी ठीक है जो आप इनपुट दे रहे हैं तो वेट की है जो आउटपुट हैगी है साड़ी। ठीक है जी वेट की है आउटपुट
ठीक है जी। सो बेसिक डेफिनेशन दे विच सब तो पहला डेफिनेशन हैगी है तुहाडी सिंपल, आपां मशीन दे बारे आपां गल कर चुके हैं। मशीन की हैगी है कि मशीन की डिवाइस आ, ठीक है, विच एनेबल्स अस टू डू सम यूजफुल वर्क एट सम पॉइंट व्हेन एन एफर्ट इज अप्लाइड टू इट एट एन अदर कन्वीनियंट पॉइंट। ठीक है जी। सो जी पिछली डेफिनेशन आ वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मशीन आ, ठीक है, एनर्जी अवेलेबल आ, कद इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं उतों आउटपुट मिलती है। ठीक है, सो जी मर्जी डेफिनेशन लिख सकते, ये भी लिख सकते, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये भी उही गल सेम गल कर रहे हैं कि जो एनर्जी अवेलेबल हैगी यूजफुल यूज करके कुछ आउटपुट दिता सानू। ठीक है, वो मशीन आ। ठीक है, सो रजिस्टेंस अगे की गल करता पाया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वही, ठीक है, जेड़ा कि आप लोड कैरी कर रहे हैं जो आप कह सकते फ्रिक्शन जी ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, द मास और लोड टू बी लिफ्टड जिन्हों आप उठा रहे हैं। ठीक है, वो रेजिस्टेंस आ जा फ्रिक्शन। ठीक है, लोड नूं आप रेजिस्टेंस भी कहने हैं, लोड भी नाम दे सकते हैं, वेट भी नाम दे सकते हैं, रेजिस्टेंस भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो ये मतलब एक चीज ही है। सो लोड जिन्हों आप कैरी करना जी कि रजिस्ट करती पी है सारी एफर्ट्स में। ठीक है, सो वो सारी की है रजिस्टेंस। नेक्स्ट इज एफर्ट, एफर्ट की हैगी है जो आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह कोई लोड उठा कैरी करना तो लिए आप इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, जी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, वही वो की है सारी एफर्ट है। ठीक है, सो ये जी मेन चीज़ हैगी आप देखनी है कि आप कि डिनोट करना है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल दे विच आप वही चीज़ा कैरी आउट करना। ठीक है जी, कैरी ऑन करने हैं, तो ये की है रजिस्टेंस में आप लोड में आप लिखना कैपिटल डबल्यू के। ठीक है, एफर्ट में लिखना है कैपिटल पी दे। चीज़ा तुम बस एक बार देख लो, क्योंकि जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करा वो फिर सानू फॉर्मूले जोड़े है वो फिर सानू एब्रीवेशन पता होने चाहिए आप कि चीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डबल्यू पी ए एफर्ट आ, अप्लाइड फोर्स आ, उस तो बाद आ गया इनपुट टू द मशीन। इनपुट टू द मशीन की आ, वर्क डन हो रहा है। ठीक है जी, किन्ना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, जो आप किस तरह करते हैं फोर्स ते डिस्टेंस। ठीक है ना, सो वर्क डन की आ, वर्क डन की आ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, सो ये जो फोर्स की आ अप्लाइड फोर्स जी आप अप्लाई की, इनपुट के फोर्स आ जो अप्लाइड करते पे हैं डिस्टेंस। ठीक है जी, जिन्ना कोई चीज़ आप जो मशीन आ, मशीन के कोई जो डिस्टेंस वो मूव करता पाया है। ठीक है, जो की है सारा डिस्टेंस आ, कोई भी आप लीवर आ जा कोई भी चीज़ आप उस उपर फोर्स लगा रहे हैं वो किन्ना मूव कर रहा है उपर नीचे, वो कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है जी, वो की होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ। ठीक है जी, अपन डिनोट करता पी इंटू वाई दे नाल। ठीक है, इनपुट के याद रखियो वाई लेना आप। ठीक है, आउटपुट के आउटपुट के भी वर्क डन होंगे पाया आ। ठीक है, सो वो भी की होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। हुण डबल्यू की आ लोड आ, लोड भी की होंगी है फोर्स ही आ, लोड की आ एक तरह एक फोर्स ही आ। ठीक है जी, जो रजिस्ट कर रही है सारे एफर्ट न। ठीक है जी, सो वो भी आप फोर्स ही मना के लोड डबल्यू इनटू डिस्टेंस, मतलब उन्हें कितना डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, जिस तरह आप उसे दसिया एक प्रैक्टिकल किया जी परफॉर्म, आई थिंक हाँ वह फ्रिक्शन का किया प्रैक्टिकल परफॉर्म, और फ्रिक्शन के प्रैक्टिकल दे विच तुसीं देखिया सीगा कि जिदा जिदा आपां पैन दे विच लोड पाते हैं, पैन दे विच वेट पाते हैं, उहदे नाल की थ्रैड बनया होया सीगा। ठीक है जी, नाल ब्लॉक बनया होया सीगा। ठीक है, नाल की बनया से आपां ब्लॉक बनया सीगा। हुण जिदा जिदा आपां वेट पाते हैं, ये डिस्टेंस नीचे नूं मूव करता पिया सीगा। ठीक है, डिस्टेंस इहदा नीचे नूं मूव हो रहा सीगा, मतलब कि इह पहलां जी इनिशियल पोजिशन इहदी इत्थे सीगी जीरो ते। ठीक है, जदों आपां वेट पाता ऐड कर दिता तां इह की आ, पहला पहला जो आप वेट ऐड करते हुए मूव नहीं होंगे पाया, मतलब वो जी पोजिशन सी जीरो पर ही सी। जिदा जिदा आप वेट ऐड करते गए एक वेट आया से जिते जाके कि यह मूव होया से नीचे नू। हुण वो जो मूव होया नीचे नू, वो की होता डिस्टेंस आ, वो डिस्टेंस की आ एफर्ट का डिस्टेंस आ, एफर्ट का डिस्टेंस की है इतने वाई। ठीक है, सिमिलरली आ की है साडा ब्लॉक, ये ब्लॉक सीगा, ब्लॉक की है साडा वेट आ। ठीक है, ब्लॉक की है साडा वेट आ। ठीक है, लोड आ, हुण जिहड़ा लोड आ, लोड भी हुण अगे नूं मूव करेगा, वह किन्ना डिस्टेंस अगे नूं मूव किया, यह उहदी इनिशियल पोजिशन जीरो, यह किन्ना डिस्टेंस अगे नूं मूव किया, सपोज इन्ना मूव कर गया, यह की है हुण इहदा डिस्टेंस इत्थे, यह हैगा है एक्स। ठीक है, सो इनपुट दे विच की आ एफर्ट इनटू डिस्टेंस, किन्ना डिस्टेंस मूव किया, तो आउटपुट दे विच की मिलता पाया सानूं, जिहदा ब्लॉक की सीगा मूव कर रहा सीगा। ठीक है, सो इहदे विच की आउटपुट की सीगा डबल्यू इनटू एक्स।
ठीक है, बस ये एब्रीवेशन याद रखनी है कि एक्स कितने लेना है, वाई कितने लेना है। ठीक है, ये अगे जाके तुहानू फिर तुहानू जिदा जिदा तुहानू न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो गया, तुसीं उत्थे एक्स ते वाई उत्थे मैंशन करना है, तो फॉर्मूले विच मैंशन करके फिर सीधा आपां उहदी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके जी, नेक्स्ट इज मकैनिकल एडवांटेज। ठीक है, मकैनिकल एडवांटेज किस तरह कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला ही है, इसे याद कर लेना। अपना फॉर्मूला की है, सिंपल, लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, मकैनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला की है, इट इज द रेशियो, आ रेशियो कहता कहता रेशियो आ लोड का एफर्ट का। ठीक है, सिंपल जो तुम अपने खर्चे किया प्रैक्टिकल के भी मकैनिकल एडवांटेज का सिंपल बस रेशियो ही फाइंड आउट करनी है अपना, डबल्यू अपॉन टी। ठीक है, वैल्यू जिनी आई वो आप कैलकुलेट करके, ठीक है, दोनों में पुट कर देनी है, सो सू उ मकैनिकल एडवांटेज मिल जाना है। नेक्स्ट आ गया सारा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो की आ, ये भी रेशियो आ, एक किस किस की रेशियो आ कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द रेजिस्टेंस, मतलब लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया। हूँ एफर्ट वेले की लिया आप वाई, ठीक है, लोड वेले की लिया आप एक्स। ठीक है, सो वेलोसिटी रेशियो ने जो कैलकुलेट करना है आप किस तरह करना है, वाई अपॉन एक्स, कितना कितना डिस्टेंस मूव किया एफर्ट एफर्ट ने, तो कितना डिस्टेंस मूव किया लोड ने। ठीक है, सो इन ये वैल्यू पुट करके आप वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की हैगी आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट दे विच की सीगा डबल्यू इंटू एक्स, ठीक है, पी इंटू वाई इंटू हंड्रेड। ठीक है, सो एफिशिएंसी सिंपल जो आप आउटपुट कभी आ इनपुट कभी दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, सानू उतों एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जानी है। जहाँ सैकेंड थिंग की हैगी मकैनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये रिलेशन मैं अगर डिफाइन कराँगा एक किस तरह आप कैलकुलेट करनी है। मकैनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो भी आप एफिशिएंसी ही कहने हैं। ठीक है, सो जो दोनों की वैल्यू साढ़े को गिवन हैगी आप थ्रू भी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ जो डेफिनेशन है ये बेस के उत्ते ही तुम्हें पेपर के न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता, आप इसी इस बेस के उपर ही न्यूमेरिकल अज आप देख लवेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होया तो मैं चैट के मैनशन कर दियो। ठीक है जी, सो ए पेपर दे विच एक ना डेरिवेशन आती है तुहानू कि तुसीं रिलेशन दसना है किहदे किहदे विच मकैनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, तो एफिशिएंसी, ये तीन चीज़ों के रिलेशन डिफाइन करना। हुणी मैं तुहानू फार्मूला दस्सिया ना आह वाला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मकैनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये कई बार की हुंदा है पेपर दे विच तुहानू इहदी डेरिवेशन भी पुछ लैंदे आ, सो सिंपल जी डेरिवेशन आ उह आपां इक वारी देख लैणी आ, ते इह आपां देख लैणा कि इह किस तरह बणिया तुहाडा फार्मूला। ओके, सो बहुत सिंपल आ, डबल्यू इतने तुम्हें कई चीज़ें क्लीयर हो जाएगी, डबल्यू लोड लिफ्टड बाय द मशीन। ठीक है, मशीन ने कितना लोड लिफ्ट किया, लोड जो लिफ्ट किया वो की है डबल्यू आ, एफर्ट जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कितना एफर्ट अप्लाई किया वो कैपिटल पी, वाई एक्स पहले दस चुका तुम्हें, वाई की है डिस्टेंस मोड बाय द एफर्ट, एक्स की है डिस्टेंस मोड बाय द लोड, एफिशियंसी, ठीक है जी, नीटा एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ठीक है, ये थोड़ी एब्रीवेशन है, पहला तो स्टार्ट जो तो भी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है पहला वोदियाँ थोड़ियाँ एब्रीवेशन दे देनी है कि आपू की चीज़ डिनोट करते पे हैं। ठीक है, सो वेलोसिटी रेशियो की सी साड़ी पिछे आप हमने आप फार्मूला पढ़िया आ कि कहता पाया सर, वेलोसिटी रेशियो की है वाई अपॉन एक्स आ, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय द लोड। फिर नेक्स्ट की है मकैनिकल एडवांटेज, मकैनिकल एडवांटेज आप हमने पिछले बैकसाइड पढ़िया वो की लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है जी, रेजिस्टेंस कितनी रेजिस्टेंस अप्लाई की हुई है, मतलब कितनी रेजिस्टेंस नु आपां लिफ्ट करना है ते कितना आपां एफर्ट लगा रहे हैं, डबल्यू अपॉन पी। सो ये तो सिंपल सिंपल सके जिहड़े आपां पिछे हुणी फार्मूले पढ़े आ, उहदे विच की आ इनपुट ते आउटपुट। इनपुट की हैगी आ उही आपां हुण दस्सिया सी, इनपुट दे विच की करदे पिया फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की आ पी इंटू वाई। ठीक आ, आउटपुट दे विच की आ लोड इंटू डिस्टेंस डबल्यू इंटू एक्स, उस जो जिन्हें भी फॉर्मूले सारे आप अप्लाई करने हैं। ओके जी, सो एफिशिएंसी की कहती सी आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी की कहती सी कि ऊपर की आउटपुट आ नीचे की आ इनपुट आ। ठीक है जी, नीचे की आ इनपुट आ, सो आउटपुट की आ पी, आउटपुट की आ डबल्यू इंटू एक्स, उपर लिखता आप डबल्यू इंटू एक्स,
इनपुट किया पी इन टू वाई, थले लिख देता पी इन टू वाई, ठीक है जी। सो आपा की किता आ दोनों चीजा नू कंबाइन कर देता, किस तरह कंबाइन किया, मैं डबल्यू अपॉन पी एज इट इज रहन देता, ऊपर लिख देता, देखो डबल्यू अपॉन पी एज इट इज रहता। मैं की किया आ जरा एक्स आ, एक्स नू चक के मैं नीचे ले आता, जो तो मैं नीचे लेके आऊंगा तो किधर नीचे आऊगा, वो वाई के नीचे आऊगा, ठीक है, वो वाई वाली वैल्यू दे थले आऊगा, ताकि जो इन आप फिर रीअरेंज करके फिर ओपन करा तो यह एक्स फिर तुम्हारा उपर ही चल जाएगा, ठीक है जी। सो इफेक्ट कोई नहीं है, भावे इन इस तरह लिख लो भावे इस तरह लिख लो, ठीक है, दोनों सेम थिंग ही है, ठीक है। आपको किया इतने एक्स की वैल्यू में नीचे ले आता, कहते वाई के नीचे ले आता। हूँ जो मैं अगला स्टेप करूँगा तो उ बन जाएगा, एक्स उपर चल जाएगा और फिर उही वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है जी। सो इन अपना रीअरेंज किया, मैं डबल्यू पॉइंट पी इकट्ठा कर लिया, इतने वाई पॉइंट एक्स, इदा क्यों किया, क्योंकि मैंने पता है कि डबल्यू पॉइंट पी की है तो मैकेनिकल एडवांटेज आ, वाई पॉइंट एक्स की है तो वी आर आ, ठीक है। सो इतने एफिशियंसी का एक होर फॉर्मूला बन गया, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है जी। सो जो भी तुसी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो आउटपुट अपॉन इनपुट ना भी कर सकते हैं, एज वेल एज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो ना भी कर सकते हैं। सो ये की रिलेशन आ, पेपर से तुम डेरिवेशन आ सकती है कि ड्राइव करो रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज ते वेलोसिटी रेशियो, ये की आ तीनों चीज़ों नू तुसी रिलेशन जो बनता है उन्होंने की ड्राइव करना है, ठीक है जी, क्लियर आ। सो पेपर के न्यूमेरिकल किस तरह के आओगे इसी बेस के उत्ते, बहुत ईजी है, पेपर के फाइव मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, इस बेस के उत्ते, ठीक है, टेन मार्क्स के भी आते हैं, वो भी आप करना करने हैं इसी चैप्टर के, पर जेहड़े फाइव मार्क्स के न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी आ, ठीक है, आप एक न्यूमेरिकल देख लें, बाकी तुम बुक के देख लियो, ठीक है। सो ये देख लें फस्ट न्यूमेरिकल की कहता पाया, लोड 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 जी हैगी लोड वो कि ना आ 200 न्यूटन, ठीक है, कि कहता पे अ लोड ऑफ 200 न्यूटन इज लिफ्टड बाय मीनस ऑफ सर्टेन मशीन, ठीक है, मशीन की हेल्प के नाल आपां 200 न्यूटन का जिहड़ा की है लोड नूं लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वह जिहड़ा लिफ्ट किया गया कितना लिफ्ट किया गया किन्ने डिस्टेंस से लिफ्ट किया गया थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब की आ कि जिहड़ा लोड आ वह की है साडा डबल्यू आ, लोड की है साडा डबल्यू कि 200 न्यूटन, तो उन्होंने जो आप लिफ्ट किया किन्ने डिस्टेंस तक किन्ने डिस्टेंस तक उन्होंने लिफ्ट किया है, लिफ्ट का मतलब कि उपर चकना किन्ने डिस्टेंस तक उपर चकिया है, ठीक है जी। तो मैं दस कि लोड में जो चकना तो उदो वो आप की लगाना है एक्स लगाना है, ठीक है, एफर्ट के नाल की लगाना है वाई लगाना है, ठीक है। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड कितना हो गया तुहाडा इत्थे 50 मीटर, ठीक है, लिफ्ट किनू करते पे लोड नू लिफ्ट करते पे हैं, ठीक है, कितना करते पे हैं 50 मीटर लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहता इफ द एफर्ट अपलाइड इज 50 न्यूटन, जे आप एफर्ट जी अपलाई की है वह की है 50 न्यूटन आ एंड हैज़ मूवड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर, जे मैं एफर्ट अपलाई करता भी आया वो 50 न्यूटन की एफर्ट आ, मतलब की है कैपीटल पी तुहाडे कोल की आ गया, आ लिखा हुआ कैपीटल पी की आ गया तुहाडे कोल 50 न्यूटन, ठीक है, तो वह जो डिस्टेंस मूव आ हूँ जी एफर्ट अपलाई करते पे भी किस भी आप डिस्टेंस मूव करते पे कि डिस्टेंस मूव करता पे एफर्ट का, कहता डिस्टेंस मूव बाई इट इज 250 मीटर। सो वाई की आ गए थे 250 मीटर, क्योंकि ये की आ एफर्ट का डिस्टेंस मूव हो रहा है, ठीक है। सो जिस तरह मैं तुम्हें पिछले हम ब्लॉक से ब्लॉक वाली एग्जाम्पल दी है, ब्लॉक से पैन वाली एग्जाम्पल दी है, सो वही सिमिलर एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। सो कितना डिस्टेंस मूव किया है एफर्ट ने 250 मीटर, ठीक है, तो की कहता पाया की फाइंड आउट करना, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसी करनी है, ठीक है। सो मैकेनिकल एडवांटेज की होंगी सी डबल्यू अपॉन पी, सो की करना डबल्यू का 200 न्यूटन ते 50 न्यूटन, ठीक है। जो भी आप वैल्यू पुट करनी है पहले ये देख लेना कि दोहां दे केस दे विच जिहड़े यूनिट आ वो सेम है कि नहीं है, जे सेम नहीं है तो सेम बनाने हैं पहला, हुण इस केस दे विच तां कुछ डिफरेंट नहीं है सीगे, तो आप न्यूटन न्यूटन है तो आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो 200 न्यूटन अपॉन 50 न्यूटन, ठीक है। सो मैकेनिकल एडवांटेज की आ गई तुहाडी 4, ठीक है, ये यूनिट क्यों नहीं कोई नहीं होंगे, जिन्हें भी रेशियो होंगे ना भावे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया भावे वेलोसिटी रेशियो हो गया मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, ये जिन्हें भी रेशियोज होंगे इन्हों का कोई भी यूनिट नहीं होंगे, ये सिंपल यदि वैल्यू ही मिलती है सानू, ठीक है। सो 4 यदि की आ गई वैल्यू आ गई है। सो सिमिलरली फिर आप वेलोसिटी रेशियो कढ़नी है, वेलोसिटी रेशियो की कहती भी है वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वाई की देखो पहले देखो वाई के यूनिट की है मीटर आ, एक्स के की है मीटर, इट मीनस की आप वैल्यू सीधी पुट कर सकते हैं। सो 250 मीटर अपॉन 50 मीटर किया तो कि आ गया साढ़ा 5, ओके जी। सो मैकेनिकल एडवांटेज भी निकल गया, वेलोसिटी रेशियो भी निकल गया, एफिशिएंसी एफिशिएंसी का की फॉर्मूला है हमने पिछले देखा जी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, सो 4/5 × 100 की बन गया 80% मशीन की एफिशिएंसी है, ठीक है।
ठीक है जी। सो 80% ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ ਜੀ।